डोर कैसे लॉक हो गया? कोई दरवाजा खोलो प्लीज। कौन से बाथरूम में गई है दिशा? इस रूम में भी नहीं है, ऊपर जाके देखता हूं। दरवाजा नहीं खुल रहा था क्या? पता नहीं, मैं दरवाजा बाहर से कैसे लॉक हो गया। मैंने बहुत खोलने की कोशिश की पर खुल ही नहीं रहा था। अच्छा डरो मत, तुम बाथरूम में लॉक हुई थी, किसी गुफा में नहीं? नहीं पूरम जी, आप जानते नहीं है, मुझे बंद जगहों का फोबिया है। बाहर से अगर डोर लॉक हो जाता है ना तो मुझे सांस नहीं ली जाती, मुझे बहुत घबराहट होती। रिलैक्स रिलैक्स, तुम एक काम करो, पानी पियो। मैं तुम्हारे साथ ही हूं एंड आई प्रॉमिस मैं अगली बार तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सॉरी, मेरी लाइफ में आकर तुम मेरी लाइफलाइन बन गई हो। कभी कभी सोचता हूं अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सब मेरे अपने पराये हो गए, ये शहर भी अपना नहीं रहा, इसलिए मेरा चले जाना ही ठीक होगा। मैं चली जाऊंगी, इन्हें इनका घर इनका परिवार छोड़कर मैं परिवार। मेरा अपना भी तो परिवार है, मां जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्हें यकीन होगा कि मैं जिंदा हूं, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं उनसे मिले बिना कैसे जा सकती हूं, क्योंकि एक वो ही तो है जिन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। मुझे उनसे मिलना होगा, कोई खुशी नहीं दे पाई मैं उन्हें, अपने जिंदा होने की खुशी तो दे सकती हूँ ना। मुझे उनसे एक बार मिलना चाहिए, उन्हें समझाना भी होगा कि मैं क्यों वापस आके दोबारा जा रही हूँ। वो मुझे जरूर समझेंगी और मेरे फैसले में मेरा साथ देंगी। पता नहीं माँ कैसी होंगी, उन्हें पता भी है या नहीं कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली, शायद पता ही नहीं होगा और मुझे ही बताना पड़ेगा। पर मैं कैसे,
हस्ती बस्ती रहे वो राहें जिन पे चलता तू, मेरी भी गलियों में आता जाता कल था तू। अभिषेक मेहरा अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा, और आज से तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत, आज के बाद, आज के बाद, आज के बाद, आज के बाद तुम्हारी हर तकलीफ मेरी, तकलीफ मेरी, तकलीफ मेरी, तकलीफ मेरी, और मेरी सारी खुशियां, सारी खुशियां, सारी खुशियां, सारी खुशियां तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारी। ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं ऐसे इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। इन्होंने मुझसे वादे किए, इतनी कसमें खाई। ये रिश्ता तोड़ सकते हैं पर वो वादे नहीं। वो मुझे भूल सकते हैं, वो सारी कसमें नहीं जो इन्होंने फेरे लेते वक्त ली थी। उन्होंने मरते दम तक मेरा साथ निभाने का वादा किया था, तो मैं खुद उनका साथ कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? नहीं, आप मुझे ऐसे नहीं भूल सकते। आपसे अगर कोई गलती हो भी रही हो तो मैं उसे होने नहीं दूंगी। मैं वो नहीं जो अपने पति की गलतियां माफ करके जिंदगी से ही समझौता कर ले। मुझे वापस जाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं इन्होंने मेरा इंतजार किया, कैसे मान लिया कि मैं मर गई, और दूसरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे। मैं नहीं थी इनकी जिंदगी में, पर मेरा प्यार तो था। कितनी बार कहा कि जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, फिर ऐसे कैसे इन्होंने। जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में है, आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, खुद आप भी नहीं। कौन जीता? दिशा पापा जी, और कौन जीतेगा? जीती तो हमारी दिशा ही है। आप जिंदगी भर हमारे पूरा पेना हमारे दिशा का ही रोब जमेगा। और रहन दो मासी जी, ये गेम शेम जीतने से कुछ नहीं होता। और गेम तो मैं भी जीता था, लेकिन शादी के बाद हुआ क्या? अपनी बात रखना तो दूर, मैं तो अपनी बात बोल भी नहीं पाता हूँ। देखो, उसको फोन भी किया कि पूरब की शादी हो गई, आजा, लेकिन वो तो अभी तक मायके में बैठी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी। शादी के बाद ना मैंने भी राज के साथ बहुत सारी गेम खेली और सारी की सारी मैं जीती। लेकिन फिर भी राज का रौब तो चलता है ना राज? क्या ना मिताली, ये रस्में होती हैं, इनमें ये सारी बातें बोली जाती हैं, इनको सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ। दिशा, पता है, राज ना ऐसे ही बोलती है, सबके सामने इनका रौब चलता है, लेकिन कमरे के अंदर तो पत्नी का ही रौब चलता है। तुम्हारा भी चलेगा पूरा पूरा। अरे चलो एवरीवन, अभी तक तुम लोग निकले नहीं। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? अरे तुझे तो मैंने बताया ना, हम सब पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तू भी चल। पूजा? और तू मान गया? तू जानता है ना दादी को? अभी मेरा मतलब, तू जानता है ना दादी को, दादी का भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, ये समझ ले कि बुलावा आ गया। सुना नहीं? अरे चलो, बुलावा आया है तुझे, चल चल। तो ठीक है फिर, हम घर चलते हैं। मैं दिशा को घर छोड़ने के बाद ऑफिस चला जाऊंगा, बहुत सारे पेंडिंग काम है। ओहो, तुझे माता अलग से बुलाएंगी, तेरा अलग से बुलावा निकलेगा। तुम लोग फैमिली का हिस्सा हो ना, तो फैमिली जा रही है, तुम लोग भी साथ चलो। अरे लेकिन मैं वहां पर क्या करूंगा? दादी को तुझसे पूजा करवानी है, मेरा वहां पर क्या काम है? मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं, तुझे साथ चलना है तो चलना है। वैसे दोनों कपड़े पहनकर तैयार है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग चलो ना। हाँ भाई, धर्म कर्म के कामों में मना नहीं करना चाहिए। दीदी सही कह रही है, शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तू मंदिर नहीं जाएगा। वैसे भी शादी के बाद नए जोड़े का मंदिर में मत्था टेकना बनता है। अब देख, इतने सारे बहाने मिल गए ना तुझे आने के लिए, अब तू टेंशन क्यों ले रहा है? वहां से मंदिर से ऑफिस चले जाना, और दिशा को हम घर छोड़ देंगे, तो चुके ना हो। पूरी फैमिली जा रही है यार, तुझे भी साथ चलना पड़ेगा। पूरब जी सब इतना कह रहे हैं तो चलिए ना, ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा।
ठीक है, अब सब बोल रहे हैं तो चलते हैं। It always works. लड़की के बोलने पे लड़का हमेशा हाँ ही करता है। पूरा भी तो कमाल ही हो गया। मतलब हम सब लोग इतनी देर से कह रहे थे तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, और जैसे दिशा ने एक बार क्या कह दिया तो बस फट से तैयार हो गए। वाह भाई वाह। अरे रॉबिन, सब गाड़ी तैयार कर। एवरीवन लेट्स गो यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चल पूरा जल्दी चल यार, लेट्स गो। ये तो फिर सबके सब लोग बाहर निकल गए और उस मुनी ने अभी भी साइन नहीं लिए। मुझे लग रहा है वो काम टाल रही है। वो देखा कितनी खुश लग रही थी, अभी के साथ तो कुछ ज्यादा ही इतराती है। गाड़ी सब तैयार है ना? अरे ताऊ जी, राज भैया, व्हाट इज दिस, मंदिर इज सो फार सिटी इन द कार, यू हैव टू गो नाउ, कम ऑन कम ऑन। चलिए 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 चलिए। ओए बैठू दादी लोगों के साथ। अरे कभी तो दादी दासी को अकेला छोड़ दिया करो, बैठो हमारे साथ, सफर सुहाना हो जाए। बिल्कुल सही कहा तूने अभी। तो भेजो ना उसे, आप लोग बीच में पकड़ के रखो, चलो। अरे आवा, इन्हें जवाब देना होगा, बताना होगा कि इन्होंने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। जिनसे भी इन्होंने शादी की है उन्हीं के सामने सवाल करूंगी कि उसे वचन देने से पहले वो मुझे दिए हुए वचन कैसे भूल गए। मिताली भाभी, क्या हुआ? नहीं वो मैं सोच रही थी कि पूजा का सारा सामान रख लिया है ना। सामान रख लिया है ना? हाँ सामान रख लिया है। सामान रख लिया है? हाँ सामान रख लिया है। तो फिर बैठो ना गाड़ी में, जाना है हमें। बैठो 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 बैठो। दीदी आप बैठिए ना। अरे हम बैठ जाएंगे, पहले तुम बैठो। आप बैठिए ना। अरे हम बड़े हैं ना, हम बाद में बैठेंगे, तो बैठो ना। मैं छोटी हूँ ना, आप बैठिए, चलिए। अरे नहीं ना, तुम बैठो। ओए अरे चल क्या रहा है आप, हाँ ये पहले आप, पहले आपके चक्कर में ना पूजा का वो निकल जाएगा मुहूर्त। बैठो गाड़ी में, चलिए बैठ जाइए, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, चलिए। ये सब तो कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन आज मैं इनसे बात करके रहूंगी, सबके सामने पूछ लूंगी कि ये मुझे भूल कैसे गए, क्यों नहीं मेरा इंतजार किया। वो मुझसे साथ निभाने की बातें करते थे और अब खुद ही साथ छोड़ दिया। सब लोग सामने होंगे तो इन्हें जवाब देना ही होगा, और नहीं जवाब दिया तो इन्हें मुझे मुझे मेरा हक देना होगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मेरा कुमकुम इन्होंने किसी और को क्यों लगा दिया। मेरे होते हुए ये किसी और के साथ कैसे खुश हो सकते हैं? अब कैसे मिलूंगी इनसे, मुझे तो पता भी नहीं ये गए कहाँ हैं। प्रज्ञा, आज जो हमने पूजा रखवाई है ना, उसमें और शादी की पूजा में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आज इस पूजा में तुम्हें घूंघट ओढ़ कर ही बैठना पड़ेगा दुल्हन की तरह। हाँ बेटा, अग्नि के सामने दुपट्टा रख के बैठना।
ये गाड़ी यहाँ लगता है सब लोग मंदिर आए हैं। हाँ यही आए होंगे। चल बैठो। चलो बेटा अभी आओ बेटा। चलिए दीदी आज आपकी दिल की मन्नत पूरी हो गई, पूरी फैमिली के साथ एक साथ पूजा करने की। मन्नत कुछ ज्यादा ही पूरी हो गई है मेरी, क्योंकि मैंने तो मन्नत मांगी थी अभी और प्रज्ञा की पूजा के लिए, और साथ में देखो ना पूर्व और दिशा की भी पूजा हो रही है। इसके बाद क्या करने का प्रोग्राम? नहीं कहीं घूमने का प्रोग्राम कर लेंगे उसमें क्या? हाँ ये भी ठीक है। हाँ पापा जी वो पिकनिक टाइप ना, सब लोग साथ में रहेंगे तो कितना मजा आएगा है ना। अच्छा है पूरा परिवार एक साथ है, इनके साथ बाकी सबसे भी सवाल करूंगी कि वो सब मुझे इतनी आसानी से भूल कैसे गए। आप सब मुझे देखकर हैरान हैं या परेशान? क्योंकि मुझे जिंदा देखकर आप में से खुश तो कोई नहीं नजर आ रहा। और मुझे आप लोगों से सवाल करना। सबसे पहले मुझे आपसे जवाब चाहिए था। आप ही मुझे मेरे घर से अपने घर बहू बनाकर लाई थी। जब कभी हमारे रिश्ते में कोई भी मुसीबत आई आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं लड़ती रहूं, मैं हार नहीं मानू क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने इतनी उम्मीदें रखी मुझसे, बस ये उम्मीद नहीं रखी कि मैं वापस आऊंगी। आप लोग ये बोलते रहे कि ये और मैं कभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि हम न जी सकते साथ में न मर सकते, तो आप लोगों ने कैसे मान लिया कि मैं मर गई? नहीं माना, नहीं माना तो ये कैसे मान लिया कि मैं जिंदा और वापस नहीं आऊंगी? प्रज्ञा तू अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप पहचानने से इनकार कर रही। जवाब तो किसी के पास भी नहीं है ना यहाँ। क्या आपने सोचा मैं मर भी गई तो मेरी तेर भी करवाए बगैर, मुझे तलाक दिलवाए बगैर आपने मेरे पति की शादी हो जाने दी? नहीं नहीं प्रज्ञा तू गलत समझ रही। मैं सही समझ रही हूँ दादी। आप सब चाहते थे कि मैं मर जाऊं वापस ही ना हो। आप सबने मुझे धोखा दिया, सबने धोखा दिया मुझे। किसी ने मुझसे रिश्ता तोड़ा है, किसी ने मेरा रिश्ता तोड़ा है। जो परिवार मैंने बनाया था ना वो सब आप सबने तोड़ दिया मेरा परिवार। ये सब बहुत बहुत गलत है। मेरी जब आंखें खुली थी ना मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि मैं घर जाऊंगी, अपने पति से अपने परिवार से मिलूंगी, तो मैं लेकिन मैं यहाँ वापस आई ना जो मैंने देखा, मेरा मन कर रहा है कि मेरी आंखों को खुलना ही नहीं चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था।